हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आकाश मीणा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एएमआई की जो सेकंड यूनिट है ट्रांसड्यूसर, उसका सब टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। इन स्लाइड्स की सहायता से अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है, ये वॉल्यूमेट्रिक है। यानी कि क्या करता है, जो भी लिक्विड इसमें से फ्लो हो रहा है, उसकी वॉल्यूम की हिसाब से अपने को ये क्या देता है, रीडिंग देता है। और जो इसमें लिक्विड फ्लो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए। इसकी दो शर्तें हैं कि जो भी लिक्विड इसमें फ्लो होगा वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फेराडेज लो पे डिपेंड करता है। यानी जो फेराडेज लो है उसके ऊपर इसका वर्किंग प्रिंसिपल उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं, देखिए, फेराडेज लॉ की। सबसे पहले जो फेराडे का स्टेटमेंट था उसको अपन पढ़ लेते हैं। द वोल्टेज इंड्यूस्ड एक्रॉस ए कंडक्टर हैज इट मूव एट राइट एंगल थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। यानी कि जो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से राइट एंगल पर कोई भी कंडक्टर मूव करता है, तो उस कंडक्टर के जो भी वोल्टेज एक्रॉस प्रोड्यूस होगा, वो उसकी जो स्पीड है मूव करने की, उसके प्रोपोर्शनल वहाँ पर वोल्टेज अपने को इंड्यूस्ड मिलेगा। तो इसी वर्किंग प्रिंसिपल पर अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है वो काम करता है। फेराडेज जो स्टेटमेंट था उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए, ई इज इक्वल टू वी इंटू बी इंटू डी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ई इज इक्वल टू वी बी डी। अब देखिए, यहाँ पर इनको अपन देखते हैं कि ये क्या क्या टर्म है। सबसे पहले बात करें ई की, तो ये जो इंड्यूस्ड ई एम एफ है या इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो है। वी की अपन अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है। बी की अपन बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। और डी है जो भी कंडक्टर है उसका अपनी उसकी लेंथ हो गई। इसको अपन एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। तो ये सब के सब क्या हो गए, जो अननोन थे उनको अपन ने देख लिया है कि कौन कौन क्या क्या है। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है तो वो क्या करता है कि जो फेराडेज लो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसके हिसाब से क्या करता है, जो लिक्विड है जो पाइप में बह रहा है उसके फ्लो को अपने को क्या बताता है, डिटरमाइन करने में अपने को हेल्प करता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि देखिए, जो यहाँ पर इसको ईजिली देखिए, जो भी कोई पाइप है उस पाइप के दोनों सिरों पर अपन क्या करते हैं, मैग्नेट्स लगाते हैं। तो मैग्नेट्स एक तरफ हो गया इसका नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ हो गया इसका साउथ पोल। साथ ही साथ कोई पाइप है उसके ऊपर अपन क्या कनेक्ट करेंगे, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उस इंड्यूस वोल्टेज को भी अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड अपन ने लगाई है और इस इलेक्ट्रोड को अपन ने क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया है। अब जब भी इसमें कोई भी जो अपना कंडक्टिव लिक्विड है जो फ्लो करेगा, तो उसकी जो फ्लो की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किस पे डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू आएगी, अपने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में अपने देखा है कि यहाँ पे मर्क्यूरी अपन ने हेल्प लिया है, तो मर्क्यूरी जितनी फ्लो से फ्लो करेगा, जितनी वेलोसिटी से फ्लो करेगा, उतना ही ज़्यादा पर यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने को मिलेगा। देखिए, इस डायग्राम में अपन हेल्प ईजिली देख सकते हैं इसको। देखिए, ये यहाँ पर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दोनों छोरों पर अपन ने एक एक इलेक्ट्रोड फिट की है, ताकि अपन जो इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा उसको अपन क्या कर सके, मेज़र कर सके। ये जो डी है ये इस कंडक्टर का डायमीटर हो गया। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, फिक्स्ड मैग्नेट का अरेंजमेंट किया है, जिससे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो फिक्स रहे, यानी वेरिएबल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, ई इज इक्वल्स टू होता है वी इंटू बी इंटू डी। अगर वी बी डी की बात करें तो वी यहाँ पर हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लो, बी की बात करें तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो हो गई, और डी की अगर अपन बात करें तो इसका डायमीटर हो गया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हो गया। अगर अपन बात करें, देखिए, तो इस फॉर्मूले से अपने को क्या पता चल रहा है कि इससे जो ये भी फ्लो मीटर है, इस फ्लो मीटर में इसका जो बी है और डी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी या मैग्नेटिक फील्ड था वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि अपन ने क्या लिया है, परमानेंट मैग्नेट्स लिए, जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट रहेगी। और इस जो कंडक्टर था, जो इस पाइप था, इस पाइप का जो डायमीटर था, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अब इनकी वजह से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या है, डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है, वी के। यहाँ पर डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि वी की जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा।
जो अपन क्या कर रहे हैं, जो ये वोल्ट अपन ने जो इलेक्ट्रोड लगाई है, इन इलेक्ट्रोड के अक्रॉस क्या करेंगे, इनको वोल्ट मीटर की सहायता से मेज़र कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपन इसको मेज़र करते हैं जो इसका फ्लो आता है। यूजेस की अपन बात करें, देखिए जो पाइपलाइंस होती है, इन पाइपलाइंस में अपन इसका यूज़ करते हैं, रिफाइनरीज होती है वहाँ पर इसका यूजेस होते हैं। बात करते हैं देखिए एडवांटेज की, मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो पाथ यील्ड्स मिनिमम प्रेशर ड्रॉप्स, यानी कि जो पाइप्स होते हैं, इन पाइप में जो कचरा जमा हो जाता है तो उसको मिनिमम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी सहायता लेते हैं, ये इसका एक एडवांटेज हो गया। साथ ही साथ ये क्या करता है, जो फॉरवर्ड और जो रिवर्स फ्लो होता है इसको भी क्या कर सकता है, मेज़र कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। देखिए मूविंग पार्ट वहाँ होता है तो वहाँ पर कोरोजन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एरर आने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है, लो मेंटेनेंस होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें जो भी अपन फ्लूड जिसका अपन को मेज़र करना है वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की बात करें तो देखिए मार्केट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपने पास अवेलेबल होते हैं फ्लो मीटर, वो इस तरीके के होंगे। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉइंटर की सहायता से, तो देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जैसे भी अपने को रिक्वायरमेंट होती है या कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो अपने को सूटेबल होता है वो अपन क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्किंग थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।